हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टेक। फ्रेंड, हम आज के वीडियो में जानेंगे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राजीव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा कल की डेट में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें फ्रेंड बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम एलएलबी बीबीए बीसीए बीएड एमएससी एसजी बीएससी एजी के जिन भी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल और वाइवा छूट गया तो उन सभी छात्रों का बैक पेपर फॉर्म फिलअप करने के लिए जो कि नोटिस में डेट मेंशन किया गया था। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे आप सभी छात्र अपने मोबाइल फ़ोन से बैक पेपर एंड वाइवा और प्रैक्टिकल के लिए फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं और बैक पेपर फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे और साथ में फ्रेंड फीस पेमेंट कितना करना होगा, 600 रुपये की 800 रुपये आपको पेमेंट भी करना होगा। तो फ्रेंड, आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हम आप सभी छात्रों को फाइनल प्रिंट तक बैक पेपर फॉर्म फिलअप करके शो करेंगे। तो फ्रेंड आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फ्रेंड, हमें गूगल पे जाना, जहाँ सर्च करना है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड, आप जैसे ही सर्च करेंगे सबसे ऊपर जाएगा msdu.ac.in। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हम जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे ऊपर फ्रेंड आप देख सकते लिखा गया एग्जामिनेशन फॉर्म। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को बैक पेपर फॉर्म फिलअप करने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कॉर्नर के जस्ट नीचे जो कि 3 डॉट करके शो हो रहा है। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड जाएगा फिल न्यू फॉर्म। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को बैक पेपर फॉर्म फिलअप करने के लिए फिल न्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे फिल न्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम बीएड एलएलबी बीबीए बीएससी एजी एमएससी एजी का जो भी बैक पेपर फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, हम फिल न्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड जो सबसे ऊपर जाएगा यूजी पीजी ओल्ड सेमेस्टर बैक पेपर, जो फ्रेंड बीएड बीबीए बीसीए के स्टूडेंट उन सभी छात्रों को सबसे पहले जो ऑप्शन दिया यूजी पीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो भी बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम के स्टूडेंट है, आप सभी छात्रों को देख सकते हैं यहाँ पे 3rd नंबर पर लिखा गया है यूजी, 4th नंबर पर यूजी पीजी एनईपी इवन सेमेस्टर बैक एग्जाम फॉर्म। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, आप जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड क्लिक करने का सबसे पहले आपको एग्जाम टाइप में सेलेक्ट कर लेना है कि आप यूजी का जो कि बैक पेपर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं कि पीजी का। तो फ्रेंड, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं दिया गया पीजी एनईपी इवन सेमेस्टर जो कि बैक पेपर फॉर्म जो कि जो 2nd नंबर पे ऑप्शन दिया गया। तो फ्रेंड, आपको उस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है क्योंकि प्रैक्टिकल व वाइवा के लिए ही सिर्फ बैक पेपर। तो फ्रेंड, हम बीए बीएससी बीकॉम किसी एक का फॉर्म फिलअप करके शो कर देते हैं। सेम स्टेप फॉलो करके आप बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम बीएड एलएलबी बीबीए के स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है आप सभी छात्र अपना बैक पेपर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया यूजी एनईपी सेमेस्टर बैक पेपर फॉर्म। तो फ्रेंड, आपको हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड, आप जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप जो रेगुलर लिखा गया इस वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड, हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड, आपको उसके बाद फ्रेंड दिया गया सेलेक्ट कोर्स में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं बीबीए बीसीए और बैचलर ऑफ आर्ट वगैरह सभी का दिया गया है। तो फ्रेंड, हम जो कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि 3rd नंबर जो 4th नंबर पे ऑप्शन दिया गया है यूजी एनईपी इवन सेमेस्टर एलओपी बैक फॉर्म। तो फ्रेंड, इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको कोर्स में सेलेक्ट कर लेना है आपको किस कोर्स का एग्जामिनेशन फॉर्म जो कि बैक पेपर फॉर्म फिलअप करना है। तो फ्रेंड, हम किसी एक कोर्स का फॉर्म फिलअप करके शो कर देंगे। सेम स्टेप फॉलो करके आप सभी छात्र अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बैचलर ऑफ कॉमर्स 1st ईयर 2nd सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो उसके बाद फ्रेंड आपको देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करना। रोल नंबर फिलअप करने के बाद फादर या मदर नेम को फिलअप करके एडमिशन ईयर सेलेक्ट करके आपको कैप्चर कोड फिलअप करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड, हम रोल नंबर को कॉपी के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फादर या मदर नेम को फिलअप करके फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आपको शो कर फ्रेंड हम फादर नेम को भी कॉपी के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड आप देख सेलेक्ट जो भी आपका एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, इसमें आपको 2021 या 2022 कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम 2022 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको कैप्चर कोड को फिलअप करके आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, हम जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे बैक पेपर फॉर्म फिलअप करने के लिए फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड स्टूडेंट नेम होगा, इनरोलमेंट नंबर हो गया, फादर नेम मदर नेम वगैरह सब कुछ आपका ओपन है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कोर्स डिटेल
ईमेल वगैरह सब कुछ ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड एक गाइडलाइंस दिया गया, इस पर आपको क्लिक करके उस पर दिया गया मैंने उल्लेखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ एवं समझ लिया और मैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अहर्य हूँ। तो फ्रेंड आपको प्रोसेड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो भी BA BSc BCom MA MSc MCom LLB BBA BCA स्टूडेंट है आप सभी चाहते हो कि सेम स्टेप फॉलो करके ही बैक पेपर फॉर्म फिलअप करना है। तो फ्रेंड प्रोसेड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बैक पेपर फॉर्म फिलअप करने के लिए सेकेंड पेज भी ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मदर नेम, फादर नेम वगैरह सब कुछ ओपन हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी आपका पहले से ही फिलअप रहेगा। इसमें फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड आप जेंडर जो कि मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, तो फ्रेंड हम मेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी में आपको सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड आप OBC से बिलोंग करते हैं कि जनरल SC ST जो भी आपकी कैटेगरी उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड हम OBC सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक सब कैटेगरी में इसमें आपको सेलेक्ट करना, अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर बॉय वगैरह हैं तो आपको नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रिलीजियन में आपको सेलेक्ट कर लेना, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, तो फ्रेंड हम हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना, तो फ्रेंड आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल जो भी एड्रेस दिया गया उसको आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद फ्रेंड आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं कि मऊ से, फ्रेंड हम आजमगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी एड्रेस उसको आपको फिलअप कर लेना है। तो फ्रेंड हम एड्रेस को भी फिलअप कर चुके हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे भी सेम एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे पिन कोड लिखना होगा। तो फ्रेंड हम पिन कोड को भी कॉपी के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दिया गया अगर आपका सेम जो कि परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो फ्रेंड आपको कॉपी फ्रॉम करेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड अब जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको स्लाइड करते हुए जाना, बस डिस्ट्रिक्ट नेम आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो फ्रेंड हम डिस्ट्रिक्ट नेम में आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट नेम, अगर आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड हम आजमगढ़ सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, ईमेल आईडी और आधार नंबर, और फ्रेंड आपको पेपर किस मीडियम में देना, अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना, और इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। तो फ्रेंड जो भी ये बैक पेपर फॉर्म फिलअप किया जा रहा है ये सिर्फ प्रैक्टिकल और वाइबा के जिन भी स्टूडेंट का छूट गया तो उन सभी छात्रों के लिए ही सिर्फ फिलअप हो रहा है। जैसे फ्रेंड सब्जेक्ट के बैक पेपर फॉर्म फिलअप होंगे सबसे पहले आप सभी छात्रों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नोटिस मिल जाएगी कि बैक पेपर फॉर्म कैसे फिलअप करना है जो भी सब्जेक्ट के। तो फ्रेंड इसलिए आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल वगैरह, कॉलेज नेम वगैरह सब कुछ ओपन हो जाए, कोर्स डिटेल वगैरह सब कुछ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो भी BCom सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो कि मेजर में ही प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल या वाइबाग सब्जेक्ट। तो फ्रेंड आप सभी छात्रों को जो भी यहाँ यहीं पर आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा प्रैक्टिकल और वाइबाग, जो भी BA BSc BCom MA MSc MCom BEd LLB BBA BSc AG MSc AG जिन भी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम है वाइबाग छूटा होगा तो फ्रेंड ऐसा ही शो होगा। जैसे फ्रेंड BCom सेकेंड सेमेस्टर में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो भी प्रैक्टिकल और वाइबाग सब्जेक्ट हैं, ऐसे फ्रेंड BA में भी आपके जियोग्राफी हो सकते हैं जो भी कोर्स का आपका होगा, BSc में केमिस्ट्री, जूलॉजी वगैरह जिस भी प्रैक्टिकल वगैरह छूटा होगा। तो फ्रेंड आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना। तो फ्रेंड हम नीचे जैसे जाएंगे तो मार्क अपडेट मैक्सिमम मार्क में अगर आपका जो भी रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट जो मैक्सिमम आप देख सकते 600 का पेपर हुआ जितना है, नहीं फ्रेंड एक एक ही सिर्फ फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना। तो फ्रेंड नीचे जाएंगे तो फ्रेंड यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना नहीं। उसके बाद फ्रेंड SI एग्री वाले ऑप्शन पे जो भी कैप्चर कोड फिलअप करके आपको सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जो भी BA BSc BCom MA MSc MCom LLB BBA BCA BSc AG MSc AG के स्टूडेंट हैं, तो फ्रेंड जैसे ही आप इसको सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप सभी छात्रों को एक फॉर्म नंबर मिल जाएगा जिसमें फ्रेंड आपको 600 से 800 रुपये फीस पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। उसके बाद फ्रेंड आपको कॉलेज में एक प्रिंट कॉलेज में जमा करना होगा। उसके बाद 10 से 15 या 20 दिन बाद आपका प्रैक्टिकल वाइबा की डेट आ जाएगी, फ्रेंड आपको प्रैक्टिकल वाइबा देना होगा। तो फ्रेंड आप सेम स्टेप फॉलो करके बैक पेपर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो आप सभी छात्रों की यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।